हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके क्रिएशन। आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बॉ बनाना सीखेंगे। इस बॉ को आप अपने गॉन या अपनी कुर्ती, अपने ड्रेस में अप्लाई कर सकते हो। सो आप इस बॉ का लुक देख सकते हो, हमने इसे गॉन के लिए बनाया है। सो आई होप आज की वीडियो को पसंद आएगी। इस बॉ को बनाने के लिए हमने जो फैब्रिक ली है वो हमने नेट फैब्रिक और उसकी एक अस्तर ली है। फ्रेंड्स, इस ये जो फैब्रिक है इसकी चौड़ाई 8 इंचेस हमने मेजरमेंट इंचेस में की है, और हमारी फैब्रिक की ये जो लंबाई है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बॉ का जो साइज़ है वो थोड़ा लॉन्ग रखा है, तो हमारी फैब्रिक की चौड़ाई 22 इंचेस है। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो हमारा नेट और अस्तर है ये दोनों अलग अलग है। फ्रेंड्स, आप चाहो तो केवल वन पीस ऑफ फैब्रिक यूज़ कर सकते हो। हमें ऊपर से स्टार्ट करते हुए अपने फैब्रिक के चारों साइड में सिलाई करनी है। हमें नेट को अस्तर के साथ अटैच करना है। सो इसीलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने फैब्रिक के चारों साइड में सिलाई करेंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर सिलाई कर लेते हैं। ये हमने पार्टी वेयर ड्रेस के लिए बनाया था, तो हमारा ये जो फैब्रिक है ये पार्टी वेयर ड्रेस के अकॉर्डिंग है। सो इस तरीके से आपको इसके ऊपर सिलाई करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले, और साइड में जो बेल का आइकन हो उसे भी दबाना ना भूले, ताकि आने वाली सारी न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमने अपने नेट को अस्तर के साथ जोड़ लिया है। इसके बाद ये जो फैब्रिक है ना, हमें इसे हाफ में फोल्ड करना है इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हाफ में इसे फोल्ड करनी है, और जहाँ पर हमने निशान बनाया है वहाँ पर हमें ये वाला ऊपर की साइड से, ये वाला साइड, फिर नीचे की ये जो साइड है हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, और बीच में जो गैप है ना हमें इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। तो चलिए हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो बॉ है इसकी साइज़ थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमने इसे गॉन के लिए बनाया है और इसे हम गॉन के फ्रंट साइड में लगाएंगे। अगर आप चाहो तो आप छोटे साइज़ का भी बॉ बना सकते हो। उसके लिए आपकी जो फैब्रिक है उसकी लेंथ आपको कम करनी होगी, और इसका जो चौड़ाई है उसे भी आपको कम करनी होगी। और उसके बाद जो हमने प्रोसेस अप्लाई किया है, ये सारे प्रोसेस अप्लाई करो, सेम इसी तरीके से सिलाई की जाएगी उसमें भी। सो फ्रेंड्स, आप देख लो कि हमने किस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगाई है। ये देखिए, हमने दोनों साइड में सिलाई कर ली है। इसके बाद सिलाई के नज़दीक में हम दो चार कर्स लगाएंगे, क्योंकि हमें फैब्रिक को सीधा करना है और जितने भी कॉर्नर्स है वो आराम से बाहर निकल जाए, इसलिए हम फैब्रिक के ऊपर कट लगाएंगे। और जो हमारा पॉइंटेड प्लेस है, जितने भी कॉर्नर्स है ऊपर की साइड में 2 और नीचे की साइड में 2, उसे हम कट करके बाहर निकाल लेंगे, ताकि वो जो पॉइंटेड प्लेस है वो आराम से बाहर निकल जाए। सो इस तरीके से आपको कट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो खुला वाला प्लेस था इसके थ्रू आपके फैब्रिक को सीधा करना है। यहाँ से फ्रेंड्स, हमें सारी फैब्रिक को बाहर निकाल लेनी है, और जो भी कॉर्नर है उसे हमें पेंसिल की हेल्प से या पिन की हेल्प से बाहर निकाल लेना है। सो आप देख लो कि किस तरीके से फैब्रिक को सीधी की जाती है।
फैब्रिक को सीधा कर लेने के बाद ऊपर की साइड में जो खुला प्लेस है इसे हमें अंदर की साइड में फोल्ड करना है, जहाँ तक सिलाई की गई है वहाँ तक उसके अकॉर्डिंग फोल्ड करनी है और हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है ताकि ये फैब्रिक अंदर आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर हमें सिंपल सा सिलाई करना है और हमें ये जो हमने खुला प्लेस छोड़ा था उसे बंद करनी है। सिलाई लगा लेने के बाद अब हम फैब्रिक को हाफ में फोल्ड करेंगे और जो इसका मिड पॉइंट है उसे हम निकाल लेंगे। इस तरीके से हाफ में फोल्ड करें और बीच में प्रेस करके थोड़ा सा निशान बना लो और ये हमारा मिड पॉइंट है। अब हमें फैब्रिक को यहीं से फोल्ड करना है और हमें इसे बोका शेप देना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको स्मॉल स्मॉल सा गैदर्स बनाना है इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये जो हमने फोल्ड किया है ना, हमें एक बार इसके ऊपर सिलाई करनी है। आपको इसी तरीके से मशीन में रखनी है और सिलाई कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको इसे सिलाई करते हुए भी दिखा दिया कि आपको किस तरीके से फैब्रिक के ऊपर सिलाई करनी है। आप वन साइड से फैब्रिक को पुश करके दूसरी साइड से बाहर निकाल ले। इस तरीके से आराम से इसके ऊपर सिलाई हो जाती है। आप चाहो तो आप इसके ऊपर डबल सिलाई कर लो ताकि ये फैब्रिक खुले ना और सिलाई आराम से हो जाए। ये देखिए, इसके ऊपर सिलाई हो चुकी है और ये स्मॉल से गैदर्स कुछ इस डिज़ाइन के दिखेंगे। इसके बाद ये जो मिडिल वाला प्लेस है ना, यहाँ पर हम एक लैस लेंगे और हम उसे लगाएंगे ताकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने एक लेस लिया है पतला सा और उसे हम जहाँ पर हमने सिलाई की है उसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस लैस के ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको इसके ऊपर इसे फोल्ड करना है ताकि ये जो फैब्रिक है ना, ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल दिखे। सो हमने लैस की सिलाई कर ली है। उसके बाद जो साइड वाला पार्ट है यहाँ पर भी हम अपने फैब्रिक के ऊपर लैस लगाएंगे और ये फर्स्ट साइड है ये हमारा, सेम दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से लैस लगाएंगे ताकि ये जो बो है ना वो बहुत ही सुंदर दिखे। सो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अपने फैब्रिक को डेकोरेट कर सकते हो। सो आप देख लो कि हमने किस तरीके से इसके ऊपर लैस लगाई है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे बॉक्स की सिलाई हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए, इसके बाद फ्रेंड्स हम इसके जो नीचे वाले में जो लटकन लगाएंगे अब हम उसकी सिलाई करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स हमने 2 पीस ऑफ फैब्रिक लिया है। ये जो फैब्रिक है इसकी चौड़ाई 4 इंचेस है और इसकी जो लंबाई है फ्रेंड्स वो हमने 16 इंचेस रखी है। आप इसकी लंबाई अपने अकॉर्डिंग कम या छोटा कर सकते हो। सबसे पहले
हमें इसके ऊपर सिलाई करनी होगी। तो नीचे का जो साइड है ना उसे हम हाफ में फोल्ड करेंगे और इस तरीके से नीचे वाला कॉर्नर जो है वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आपको नीचे में कॉर्नर वाला शेप देना है, पॉइंटेड शेप। और फिर ऊपर की साइड में हमें थोड़ा कम रखना है और नीचे की साइड से हमें इसे यहाँ तक रखनी है और हमें इसे ऊपर से मिला देना है। फिर नीचे के ऊपर की साइड जो है ना हम 1 इंच का ये वाला प्लेस देंगे ताकि वो कम रहे और नीचे थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाए। सो इस तरीके से आपको इसे मिलाते जानी है। और ये जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे ना हमें फिर इसके ऊपर सिलाई करनी है। सो ये देखिए हमने इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लिया है और नीचे वाला ये जो पॉइंट है इसे भी आप अच्छे तरीके से बना लो। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस शेप का इसे बनाना है। इसके बाद नीचे से जो हमने शेप बनाया है यहाँ से स्टार्ट करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई करनी है। तो चलिए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई कर लेने के बाद साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल लेंगे ताकि वो जो फैब्रिक जब हम इसे सीधा करें तो वो फैब्रिक मिडिल में ना आए। तो इस तरीके से आप कट कर लो। नीचे की साइड में वो जो प्लेस वाला पॉइंटेड प्लेस वाला फैब्रिक था उसे भी हमें कट कर लेना है। और फ्रेंड्स इसे हम पेंसिल की हेल्प से सीधा करेंगे। नीचे वाला जो साइड है ना यहाँ पर हमें पेंसिल को रखनी है और इसके थ्रू हमें फैब्रिक को अंदर डालनी है। इस तरीके से वीडियो में आप देख लो कि हमने किस तरीके से सीधा किया है। और इस तरीके से आपको बाहर का जो साइड खुला वाला है वहाँ से सारी फैब्रिक को बाहर निकाल लेना है और नीचे का जो पॉइंटेड प्लेस है ना उसे आप पहले अच्छे तरीके से शेप में दे दो और फिर इसके बाद फैब्रिक को सीधा कर ले। सेम फ्रेंड्स यही प्रोसेस अप्लाई करते हुए दूसरी साइड वाला फैब्रिक है आपको उसके ऊपर सिलाई करनी है। हमने यहाँ पर केवल 1 साइड की सिलाई दिखाई है। ये देखिए फ्रेंड्स, इससे हमने सीधा कर लिया है। और सेम इसी तरीके से जो हमारा दूसरा साइड था हमने उसकी भी सिलाई कर ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद ये जो फैब्रिक है ना इसका जो ऊपर वाला साइड है हम दोनों फैब्रिक के ऊपर के साइड को एक दूसरे के बराबर में रखेंगे और एक बार हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। इसके ऊपर सिलाई कर लेने के बाद इसे हम जो हमारा ऊपर वाला बॉथ है ना उसमें जोड़ देंगे और हम उसे ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसे की सिलाई कर ली है और इसे हमने वो में जोड़ दिया। ये देखिए फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।